आपको बता दें, कांगो में किवू झील में लोगों से भारी बोट अचानक से पलट गई, जिसमें 78 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जहां बोट पर क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे। बोट जैसी झील के बीच पहुंचती है, ओवरलोड होने की वजह से पलट जाती है। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, ओवरलोड होने की वजह से ये बीच झील में ही, बीच समंदर में ही पलट जाती है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। 78 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है, और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है कि क्षमता से अधिक लोगों को इसमें बैठाया गया था, जिसके बाद ये बड़ा हादसा। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं, उस युद्ध से जुड़ी हुई जिसके कई दिनों से चर्चा हो रही है। दरअसल आईडीएफ की तरफ से लगातार लेबनान पर हमला हो रहा है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर भी लगातार बमबारी की जा रही है आईडीएफ की तरफ से। तो बेरूत पर लगातार बमबारी होने के साथ साथ जो इजरायली सेना है वो भी अंदर तक जा पहुंची है। ये बेरूत की तस्वीरें हैं जहां इजरायल ने तबाही मचाई हुई है। आईडीएफ हर जगह नजर आ रही है, और बेरूत के अंदर लेबनान की राजधानी जो कि उसके अंदर प्रवेश करके वहाँ पर किस तरीके से तबाही है, आप ये तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। और इसी के साथ इजरायल के जो सैनिक है वो अंदर की तरफ रुक करते जा रहे हैं। बेरूत की पहली तस्वीरें जो सामने आई थी उसमें संसद के पास भी इसी तरीके से देखने को मिला था कि जो अटैक है वो किया गया था, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं। और लेबनान से पूरी तरीके से हिजबुल्ला का खात्मा कर देना ही इजरायल का बड़ा संकल्प है। बिल्कुल, उसी मिशन को पूरा करने के लिए लगातार ये कोशिश हो रही है आईडीएफ की तरफ से कि हिजबुल्ला के जो ठिकाने हैं वहां पर हमला किया जाए। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, इन तस्वीरों में आप देखिए गोल घेरे के भीतर ये आग का जो गोला है, दरअसल ये आईडीएफ की सेना की तरफ से जो हमला किया गया है उन बंकरों पर, उन ठिकानों पर जहां पर हिजबुल्ला के आतंकी छिपे हुए हैं। और ये मिशन कई दिनों से चल रहा है, लगातार यही कोशिश है। धमाकों से एक बार फिर से बेरूत दहला है, और ये मिशन है कि हिजबुल्ला का खात्मा करना है। अब इस हमले में कितने ही दिन लग जाए, कितने दिनों तक ये ऑपरेशन चलेगा, कितने दिनों का ये मिशन है, इसको लेकर कोई जानकारी नहीं, लेकिन लगातार ये कोशिश की जा रही है आईडीएफ की तरफ से कि यहाँ पर पूरा खात्मा किया जाए। और ये 10 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इसराइल के हमले के बाद बेरूत किस तरीके से दहल उठा है। हर जगह सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार, आग की लपटें नजर आती है, और ऐसी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन बात वही आकर के खड़ी हो जाती है कि आखिरकार हिजबुल्ला की तबाही तक क्या ये सब कुछ नहीं रुकेगा, जिस तरीके से ये पूरा युद्ध इसराइल और हमास के बीच में शुरू हुआ था, जो कि हैती से होते हुए हिजबुल्ला तक पहुंचा है, और तीसरे मोर्चे पर हिजबुल्ला भी तैनात नजर आया था, जिससे मिटाने की कसम अब इसराइल ने खा ली है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए इसराइल हर जगह लेबनान में अटैक करते हुए नजर आ रहा है। तो ये 10 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लेबनान में हालात जो है वो खराब होते जा रहे हैं। लेकिन आईडीएफ ने कह दिया कि जब तक हिजबुल्ला का तबाही पूरी तरीके से नहीं होती है, वो रुकने वाले नहीं है। और मिडिल ईस्ट में जंग की सूरत इसी वजह से अब बदलती जा रही है, हिजबुल्ला पर लगातार हमले जारी है, एक एक करके उसके ठिकाने भी खत्म हो रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ अब इसराइल को खुलकर अमेरिका का साथ और हथियार दोनों मिल रहे हैं, जिसके दम पर लगातार जो इसराइल है, आईडीएफ की फोर्सेस है, वो ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। ईरान की तरफ से जो धमकाया गया है उन धमकियों से इसराइल की सेना पर कोई फर्क नहीं दिख रहा है। पूरी खबर सपोर्ट में देखिए। लेबनान में इसराइल का घातक प्रहार, हिजबुल्ला को नुकसान 400 पार, हूती विद्रोहियों पर बरसे बम, महाशक्तियों ने यमन में दिखाया दम। आईडीएफ का मिशन लेबनान धमाकेदार तरीके से जारी है, खासकर दक्षिणी लेबनान के कई हिस्से ये सबूत दे रहे हैं कि इजराइल किसी भी कीमत पर हिजबुल्ला को माफ नहीं करने वाला। रात में इजराइल के रॉकेट बेरूत की जमीन को दहलाते हैं, तो सुबह होते ही इजराइल की सेना और टैंक बेरूत की धरती पर आगे बढ़ते रहते हैं। इजराइल की सेना का दावा है कि अब तक उसने हिजबुल्ला के 440 आतंकियों को मार गिराया है।
इजराइल की चौतरफा मार सह रहा हिजबुल्ला खुद को किसी भी तरह से कमजोर साबित नहीं करना चाहता। इसीलिए इजराइल की ही तरह उसने भी वीडियो वाला वॉर गेम शुरू कर दिया है। हिजबुल्ला ने अब एक वीडियो जारी किया है जिसमें वो दिखा रहा है कि वो किस तरह से दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के हमलों का जवाब दे रहा है। उधर लेबनान में एंट्री कर चुकी इजरायली सेना हमास की तरह हिजबुल्ला के ठिकानों को भी निशाना बना रही है। इजरायली सेना के निशाने पर खासकर वो सुरंगें हैं जहां से हिजबुल्ला और हमास के आतंकी एंट्री करते थे। सुरंग का वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि ये सुरंग नहीं बल्कि एक तरह से इन आतंकियों के लिए होटल था जहां सोने से लेकर खाने पीने तक की पूरी सुविधा थी। अब इस जंग का असर आम लोगों पर भी खूब पड़ रहा है। इजराइल ने पहले लेबनान के लोगों से कहा था कि वो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और बीते दो दिनों से लाखों की संख्या में लोग संघर्ष वाले इलाके को छोड़ चुके हैं। इजराइल पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि उसकी बमबारी के दायरे में कई राहत और शरणार्थी शिविर आ गए हैं जिनमें कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को भी संघर्ष वाले इलाके को छोड़ने का निर्देश जारी किया है। स्लोवाकिया, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड जैसे देशों के नागरिक अपने देश वापस लौट रहे हैं। उधर हिजबुल्ला का साथ देने वाले और लाल सागर में अपनी हरकतों को अंजाम देने वाले हूती विद्रोहियों पर अमेरिका जमकर बारूद बरसा रहा है। लगातार दूसरे दिन ब्रिटेन और अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने यमन पर बमबारी की। यूएन के मंच से बेंजामिन नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट का भूगोल बदलने की बात कही थी और लेबनान ऑपरेशन से लग रहा है कि शायद अब इजराइल का भूगोल बदल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हमास और हिजबुल्ला से बदला लेने के बाद इजराइल की क्या प्लानिंग है? क्या इजराइल किसी और देश पर निशाना साधेगा या शांत हो जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।